जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटे, 4 साल कल पूरे हो जाएंगे। न्यू इंडिया में मेरा कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर में तेज रफ्तार में धुआंधार विकास हो रहा है। और देखिए बदलते कश्मीर की गवाही की गूंज, हमारी स्पेशल एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखाएंगे। स्वर्ग से सुंदर, सबसे न्यारा ये कश्मीर, जन्नत की घाटी, ये डल झील शिकारा, हटने के बाद कश्मीर बदल रहा है। आज हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं। धारा 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को कहीं फायदे मिले। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो टूरिज्म सेक्टर को मिल रहा है, और इस वक्त भी अगर आप डल लेक के इर्द गिर्द देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पर्यटक जो है इस वक्त भी यहाँ पे आए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार या हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके डेटा के हिसाब से जो है 1,26,00,000 जो पर्यटक है इस बार अभी तक कश्मीर आ चुके हैं। कश्मीर घाटी में विकास का सफर अपनी पूरी रफ्तार में है। खूबसूरत वादियों का ये सफर हर गुजरते दिन के साथ तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, और उसी रफ्तार के साथ जन्नत का दीदार करने पर्यटकों की संख्या भी घाटी में बढ़ रही है। एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर में पर्यटन विभाग के डेटा के मुताबिक 1,26,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए। इस बार अमरनाथ यात्रा और बाकी जो जगह हैं, खास तौर पर कश्मीर के अंदर बहुत सारी जगह जो है नई जगह पर्यटकों के लिए खोल दी है, और ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, फायदा जो है 370 के हटाए जाने के बाद यहाँ के लोगों को इसका मिल रहा है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है वो भी उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है, और उसी का एक नतीजा है कि पर्यटक विभाग जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायदा लोगों को मिल रहा है। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा है, विकास को डबल इंजन वाली रफ्तार मिल गई है। भले ही कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन एक एक काम की पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग राज्यपाल मनोज सिन्हा खुद कर रहे हैं। हर दिन विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यहाँ पे सब लोग शिकारा राइड ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है, एंड द एक्सपीरियंस इज अ लॉट मेस्मराइजिंग, सो मेस्मराइजिंग। अगर पैराडाइज, लाइक कश्मीर इज पैराडाइज, ट्रूली इट इज पैराडाइज। ये बदलाव है, ये विकास है, ये न्यू इंडिया का नया जम्मू कश्मीर है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब कश्मीर में सब कुछ बदल रहा है, और इसके हम सब साक्षी भी बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पे भी काम कर रही है, वहाँ पे भी फोकस है, लेकिन जो मेन फोकस है वो पर्यटन क्षेत्र ही है। और इस तरह जो आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर सरकार के मुताबिक आने वाले वक्त में ये और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी साल बाकी है, और कश्मीर के अंदर जो है कई ऐसे जगह हैं जहां पर आने वाले मौसम में पर्यटक जाते हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर गुलमर्ग शामिल है, जहां सर्दियों में लोग आना पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर बदलाव आ रहा है, और लोग इस अमन शांति के माहौल में काफ़ी खुश हैं।